मित्रों वार्ड 64 और वार्ड 57 की उस गली में हम खड़े हुए हैं जिसमें कई दिनों से निकलना बैठना दुश्वार है। गली के अंदर बेमौसम बरसात का पानी जमा हुआ है, सीवर का गंदा पानी। इस गली से तमाम लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ अपने घर बंद करके दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं, कुछ ने अपने फ्लैट तक बेच दिया, ऐसा लोगों ने बताया है। आइए सुनते हैं कुछ लोगों की जुबानी। भाई साहब क्या शुभ नाम है आपका? मेरे दर्शक शुभम गौड़ मेरा नाम है। शुभम जी क्या दिक्कत आ रही है आपको? यहाँ पे ये दिक्कत ये है कि सब ये नाली चौक है, सीवर चौक है, ये नाला यहाँ से बंद कर रखा है, नाले इतने बड़े नाले की जगह की नाली बना दी है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं नाली के पानी में से धूम से होते हुए जाते हैं। सारी रोडें टूटी पड़ी हुई है, इतने सालों से कोई समाधान नहीं हुआ है, इतने सालों से रोड बंद है, रोड तक नहीं बन पाई है, ठीक है ना। उसके बाद में भी ये जलभराव हो रहा है, इतना हो रहा है, मंदिर जा नहीं सकते हैं सर। आप मंदिर जाएंगे तो घूम हो। प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमारी बात, आपकी बात हमारी बात? जो भी समस्याएं चल रही हैं काफी समय हो गया है, इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए, वरना हम लोग जो है नगर निगम पे जाके हजारों की तादाद में हम धरना प्रदर्शन। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। रोहित जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे पिछले एक हफ्ते है इतना बुरा हाल है कि बदबू और बच्चों की तो बीमारी की जड़ बन रही है सब चीजें। इस मामले में हमने कल कार्यालय नगर निगम पे हमने फोन पे बात करी, कल उनका कहना ये था कि जो लेट काम हो रहा है उससे ज्यादा लेट काम हम करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अच्छा क्या नाम? शुभम अग्रवाल। शुभम जी क्या कहना चाहेंगे? कई दिनों से सर हम लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, रोज गंदा पानी भर जाता है, इससे बीमारी फैलने की भी आशंका है। हम बस यही नगर निगम से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसका निवारण होना चाहिए। देखिए आज हम उस गली को आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिनके जिनका काम धंधा बिल्कुल खराब हो चुका है, एक कस्टमर नहीं आ रहा है, चौपट हो गया है। इस गली में आपको लेकर चलेंगे, पता नहीं कब पर फिसल जाए, कैसे पहुंचते होंगे इस गली के अंदर लोग अपने घरों तक। उस गली में हम दिखा रहे हैं, ये बताते कैंट विधानसभा का बहुत अहम इलाका है, अधिकतम अग्रवाल और खंडेलवाल बिरादरी के लोग रहते हैं, सवर्ण जाति के लोग भी रहते हैं। हम सड़क पर नहीं चल सकते, हम आपको चबूतरों के माध्यम से वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हालात आप देखकर चौंक जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा इस बात का चलना मुश्किल है। कैमरा पर्सन से कहूंगा देखें गाड़ी लोग लौट के जा रहे हैं, उन्हें भी दिखाएं। इस गली के अंदर आने वाले लोग पैदल नहीं जा पाते हैं और पैदल पैदल चलते चलते फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, कई बार लोगों पैर में चोट भी लग चुकी है। आज उस मनहूस गली के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कभी आबाद हुआ करती थी, धनाढ्य लोग रहते थे और अब मकान बेच बेच के यहाँ से भाग रहे हैं। एक महिला भी यहाँ पर खड़ी है, माता जी क्या नाम है आपका? कैमरे में देख के बताइए क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? पानी भरा हुआ है, गंदगी होती है, सब निकलना घर खाली खड़ करके चले गए यहाँ से, और रहना पसंद करेगा गली में ऐसे। आपका वार्ड 57 है ना? हाँ, मेंबर साहब कालीवाड़ी वाले हैं। हाँ हाँ, आइए आइए हम दिखाते हैं उस गली का हाल जो दो वार्डों के बीच में बटी हुई है। और यहाँ पर चमेली का मंदिर भी है, चमेली वाला मंदिर कहकर फेमस है। कैमरा पर्सन से कहूंगा जब मंदिर का भी दिखाएं हाल, जहां पर अब मंदिर में लोग पहुंच नहीं पाते हैं, पूजा अर्चना भी बंद हो चुकी है, तमाम मंदिरों के सौंदर्यीकरण की बातें हो रही हैं, लेकिन बरेली के इस स्मार्ट सिटी के इस मंदिर के अंदर अब भक्तों ने आना भी बंद कर दिया है, क्योंकि मंदिर के अंदर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पन्नी तैर रही है पानी के अंदर, आप देख रहे हो पन्नी तैर रही है पानी के अंदर, किस कदर जल भराव है इस गली में। आपको दिखा रहे हैं गली का पूरा हाल, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट, दिखाएंगे कैमरे की नजर से। देखिए कैसे लोग यहां पर निकल के आ रहे हैं इस कैमरे की नजर से, फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखा रहा हूं। हम इससे आगे नहीं जा सकेंगे क्योंकि पानी इस कदर भरा हुआ है कि लोग भी नहीं जा पाते हैं। एक तरफ जो वार्ड आप देख रहे हैं चमेली के मंदिर की तरफ, ये वार्ड 64 में आता है, इसके पार्षद हमारे साथ पहुंच गए हैं। मैं जयप्रकाश राजपूत से भी जो इस वार्ड के पार्षद हैं 64 नंबर के, जयप्रकाश जी आपका वार्ड एक तरफ है, एक तरफ 57 वार्ड है, क्या प्रयास हुए हैं जल निकासी के? इसमें इसकी शिकायत मैंने शासन और प्रशासन से लेकर सभी तक पहुँचाई है, चार दिन से बराबर फेसबुक लाइव कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। नगर निगम में नगर आयुक्त जी को मैंने अवगत कराया था कि जो होली चौराहा का मुख्य मार्ग है उस
पे 6 चेंबर बंद कर दिए गए। तो मेरी शिकायत पर उन्होंने नगर निगम के जलकल विभाग की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी, वो खाना पूर्ति करके वो लौट गए। जलकल विभाग के संबंधित अधिकारियों का ये कहना था ये जो पानी है सीवर में नहीं जाएगा, यहाँ पर सीवर में नहीं जाएगा, इससे आगे बढ़ करके आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पर पूरा रोड काट करके मेरे वार्ड के अंदर पानी कर दिया है। अब ये जनता कब तक, स्वास्थ्य विभाग के विमल मिश्रा का ये कहना था कि 27 तारीख को टेंडर पड़ेगा, कब टेंडर पड़ेगा, कब टेंडर खुलेगा, कब तक ये जनता गंदे पानी में गुजर करके मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए, और ये गली का नहीं कई गलियों का हाल है, क्योंकि यहाँ का जमीनी हकीकत ये है कि नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण है और अवैध अतिक्रमणों के लिए नगर निगम प्रशासन कई महीने पहले एक बार नहीं दो बार तीन बार नोटिस भी दे चुकी है, लेकिन आज तक नगर निगम उन अतिक्रमणों को हटवाने में सक्षम नहीं है। इतना लाचार नगर निगम आखिर क्यों आता है? देखिए, जयप्रकाश राजपूत थे, हम उस गली का नजारा जूम करके आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। यह है स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड 57 कालीवाड़ी और वार्ड 64 बाग ब्रिटान के बीच की गली जिसमें पानी बह रहा है। मित्रों नमस्कार, इस वक्त मौजूद है बरेली के होली चौराहे के पास, लोकसभा चुनाव सन्निकट है, समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी का टिकट डिक्लेयर होना बाकी है। नेताजी आएंगे, घरों पर हाथ जोड़ेंगे, उनके समर्थक आएंगे, वोट भी मांगेंगे, हमेशा की तरह लोग वोट भी देंगे, कुछ खुशी खुशी देंगे, कुछ मलिन होकर परेशान होकर विवश होकर देंगे और शिकायत भी करेंगे। इस जगह पर जहां पर हम आपको लेकर आए हैं, एक ऐसी गली आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बरसात के दिनों में तो गलियों में पानी भरता ही है, लेकिन एक ऐसी गली जो स्मार्ट सिटी के स्मार्ट वार्ड वार्ड संख्या 64 और 57 कालीवाड़ी के बीच में स्थित है, दोनों वार्ड का पुल का काम करती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है तो दूसरी तरफ निर्दलीय पार्षद जयप्रकाश राजपूत है। इस खबर में हम जयप्रकाश राजपूत की भी बात सुनवाएंगे और उनकी व्यवस्थाएं भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्षेत्र के बासिंदे मौजूद हैं, उनके नाम से भी जानते हैं, उनको उनकी पीड़ा भी सुनते हैं। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? बोलो बोलो, क्या? बोलो, बोलो। अरे एक ही बात, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोपाल खंडेलवाल जी, मैं यहाँ वार्ड 57 का निवासी हूँ। मेरे सामने ठीक वार्ड 64 है जिसके बीच में ये गली जा रही है। यहाँ आए दिन बरसों हो गए समस्या को, लेकिन किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। जो भी नेता और इसके पार्षद और नगर निगम के अधिकारी आते देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। एक बार यहाँ से मेयर गौतम भी गुजर के गए थे, जो कि घनश्याम शर्मा जी की डेथ होने पर यहाँ आए थे इस गली में, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दिया। आज तक वैसे की वैसे ही है। हम कई बार नगर निगम गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आप और... क्या सुनना आपका? मेरे दर्शक आपको मेरा नाम रचित अग्रवाल है। रचित जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ की स्थिति तो दिन से दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार 3 दिन से 4 दिन से पानी भरा हुआ है और ये पानी निकलता ही नहीं है और गंदगी और बदबू के मारे लोगों का बुरा हाल है। देखिए, हम वो गली आपको दिखा रहे हैं जिसमें लोग निकलना बैठना दुश्वार है और बदबू की वजह से निकलना बैठना दुश्वार है और लोगों का जीना दुश्वार हो गया। मच्छर पनप रहे हैं, संक्रामक बीमारियां पैदा होने की आशंका बन गई है। इस गली में हम आपको अंदर भी लेकर चलेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सुनीता अग्रवाल, कालीबाड़ी, रामा जनरल स्टोर, यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए करीबन। ये परिस्थिति को देखते हुए हमारी दुकान बिल्कुल ठप पड़ी, ना कोई ग्राहक आता, मोहल्ले के लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इतनी परिस्थिति खराब है कि ना बच्चे निकल रहे, बड़े बुजुर्ग घर में सब बीमार पड़े हुए हैं। इतनी बुरी स्थिति है घर के, ये पानी के मारे कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, ना मेहमानदारी है, ना हमारे कोई कस्टमर है। हमारी दुकान ठप पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है, इतने फोन करते रहो, कुछ करके नहीं है किसी को, कोई आता आने का नाम ही नहीं है। बस आ रहे हैं, फोन मिलाते हैं, उठाता ही नहीं है कोई फोन। पहले फोन उठता था, फोन उठना भी बंद हो गया है। सेवा में श्रीमान नगर विकास मंत्री जी, और यहाँ की व्यवस्था जग जाहिर है, आपके सामने है यहाँ का हाल।
इस बदहाल तस्वीर का आखिर कौन है जिम्मेदार? कैसे छोटे छोटे बच्चे इस ऐडों से उतर के जा रहे हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो जग जाएगा। अरे, लच मारिए तो घूम जाओगे।